सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय केदारनाथ व्लॉग। सो सुबह का टाइम हो चुका है 5 बजे का। रात को लेट हो रहे थे तो इसलिए हम यहाँ पर रूम पे रुके थे, वरना हमारा प्लान तो था रात को चढ़ाई करने का, बट रात को आगे जाम लग रखा था तो इसलिए चढ़ाई नहीं कर सके, तो इसलिए हम यहाँ पर रुके। फिलहाल हम रुद्रप्रयाग के फाटा नाम के जगह पर है फिलहाल, तो आपको बाहर का भी दिखाऊंगा। फिलहाल अभी उठे हैं, अपना फ्रेश व्रेश होकर अब नहा धो के फिर निकलेंगे, तो जैसे भी आपको आगे के दिखाऊंगा। रास्ते में वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि रास्ते फ़ोन बिल्कुल डेड हो चुका था, तो इसलिए जितना हो सका उतना बनाया। बाकी फ़ोन चार्ज है पूरा 100%, अब जितना होगा उतना बनाऊँगा, आपको आगे का जो भी दिखाऊँगा। तो चलते हैं, नहा धो के रेडी हो जाता हूँ अपना, फिर आपको आगे का दिखाता हूँ। सो गाइस, मैं रेडी हो चुका हूँ और मेरे दोस्त पीछे रेडी हो चुके हैं, बस सब निकलने के लिए बिल्कुल रेडी है। और हाँ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लेट हुए तो आगे बहुत ज़्यादा जैम होगा और बहुत लेट हो जाएंगे। तो चलते सीधा। ये देखो, बैग फिर से पैक कर लिए। इसको देखो, इसका सीखो, रख लो इसने अंदर। चले भाई, ये देख सकते हो। और तेल तेल कौन सा यार, राज्य तेल ले ले यार, कौन सा तेल है? कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है। सो गाइस, बोल रहे आगे बहुत ठंड होगी, तो मैंने अंदर शर्ट भी डाल ली, ऊपर से जैकेट भी डाल ली। बस अब निकलने का टाइम हो चुका है, ये सब निकल भी चुके। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, एक तो ये हमारा रूम है और एक ये हमारा रूम है। तो हमने सबने छोड़ दिया रूम, सब जा चुके हैं। ये देखो, बस हम भी चलते हैं। रुको जरा, सब्र करो। सो गाइस, आप देख सकते हो हम कितनी ऊंचाई पे आ चुके हैं। ये हम आ चुके हैं चोपता है ना, चोपता पे आ चुके हैं। इससे आगे जाके पड़ता है तुंगनाथ, और जो कि विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है। तो आप देख सकते हो। शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं बाहर का व्यू। वाओ, ये देखो। हम यहाँ आते हैं उमेश चंद होम रेस्टोरेंट। हाँ भाई, कुछ रहा तो नहीं ना, अगर रह गया ना समझ लेगा दान दे दिया। ठीक है, क्या बोला तूने? हो क्या कह रहा? अगर कुछ रह गया हो ना तो सोच ले भाई, दान दे दिया। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा। सो गाइस, अगर किसी का कुछ रह गया तो समझ लेना कि उन्होंने दान दे दिया। कॉलेज भी है क्या? तो ये देखो गाइस, यहाँ पर कॉलेज भी है, राज के इंटर कॉलेज। ओके, तो गाइस देख सकते हैं बाहर का व्यू। और हाँ, जहाँ फिलहाल हम हैं, यहाँ इसका नाम है फाटा, जो रुद्रप्रयाग में है। और यहाँ से बताते हैं कि यहाँ से बहुत ज़्यादा हेलीकॉप्टर है जो सीधा केदारनाथ की ओर जाते हैं लेके। सो गाइस, हम रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए। हमारी गाड़ी वो आ चुकी है और अब ये भाई सब निकलने के लिए रेडी है। हाँ भाई, हाँ बोलो शंकर भगवान की जय। तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला, शिवाय शंकरा नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, देव हे महेश्वरा। सो गाइस, आप देख सकते हो केदारनाथ के रास्ते पर हर जगह, मतलब थोड़ी थोड़ी जगह पर ऐसे जाम लगा मिलेगा, जहाँ पर 10 मिनट का रास्ता आपको 2 घंटे का लगेगा। मतलब आपको 10 मिनट की जगह 2 घंटे में पहुँचोगे, इतना जाम होगा। सो गाइज यहाँ से हम सीधा सोनप्रयाग जाएंगे। सोनप्रयाग जाने के बाद वहाँ पे एक स्टैंड होगा, पार्किंग स्टैंड, वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ पार्किंग होगी, वहीं पे गाड़ी पार्किंग करनी पड़ेगी। आगे से हमें टैक्सी लेनी पड़ेगी, टैक्सी से आगे जाके फिर हमें ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, मतलब चढ़ाई करनी पड़ेगी। जैसे जैसे आपको दिखाऊंगा। हम भी देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा जाम लगा हुआ, अभी तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए पैदल निकल के भारी अपना व्लॉगिंग कर लेता थोड़ी सी। और हाँ, अभी सिर्फ वन वे स्टार्ट कर रखा है, सिर्फ यहाँ से गाड़ी आएंगी, जब ये ख़त्म हो जाए उसके बाद यहाँ से फिर हमारी गाड़ियाँ चलेंगी धीरे धीरे। तो आपको जैसा होगा व्लॉग में दिखाऊँगा, तो चलते आगे। तो गाइज आपको दिखाई दे रहा है हेलीकॉप्टर, नहीं दिखाई दे रहा, हो रहा, वो देखो ये हेलीकॉप्टर होते हैं जो यहाँ से उड़ के सीधा केदारनाथ लेके जाते हैं। सो गाइज मैं तो घूमते घूमते काफ़ी आगे आ गया, अब दोबारा जाता हूँ गाड़ी की ओर, तो चलते हैं। सो गाइज रूम से 6 बजे के आसपास हम निकले थे, 6-6:15 बजे निकले थे, अब 7:30 के आसपास का टाइम हो चुका है। आप देख सकते हो हम 10 मिनट का रास्ता भी नहीं है यहाँ से आगे तक का, ठीक है बता रहे हैं, बट हमें कितना घंटा होगा, 1 घंटा तो हो ही गया, 1 घंटे से ऊपर हो गया, ठीक है। अभी देखते हैं, अभी तो अभी भी काफ़ी लंबा जाम है, ठीक है। बहुत से तो जो ओवरटेक करके चले जाते हैं, पर हमने ओवरटेक नहीं किया, बट अभी अब तो करना पड़ेगा क्योंकि एक गाड़ी है पंचर हो रखी है, वो देख दिखाता हूँ। और देखो ये वाला ट्रक है, ये जो गाड़ी है जो पंचर हो रखा है, तो यहाँ से तो ओवरटेक करना पड़ेगा। वो देख सकते हो आप कितना लंबा जाम लग रहा, बहुत आगे तक जाम लग रहा। थोड़ी सी दूर जाएंगे, बहुत फास्ट गाड़ियाँ, उसके बाद फिर रुक जाएंगे। आप व्यू देखो यहाँ से। तो गाइस एटलीस्ट पूरे 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, पर जाम बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो रहा। बहुत स्लो गाड़ी चल रही है, बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है, तो यार गाड़ी में बैठने का भी मन नहीं कर रहा। तो पैदल निकल के अपना मैं आगे की तरफ जाऊँगा, जितना आगे जा सकते हैं वहाँ जाऊँगा, आगे का देखता हूँ। जैसा अच्छा अच्छा सीन आएगा, जो भी होगा आपको ज़रूर दिखाऊँगा, व्लॉग ज़रूर बनाऊँगा। लो चल पड़ी गाड़ियाँ, बट आगे जाके फिर रुक जाएंगी, कोई फ़ायदा नहीं है। विशाल भंडारा श्री केदारनाथ श्री बद्रीनाथ सेवा समिति, वाओ। तो गाइस जैसे कि आप सामने देख सकते हो हमारा हेलीपैड, यहाँ से भी 2 हेलीकॉप्टर उड़ के गए हैं। अभी एक ये रुका हुआ है, ये भी उड़ेगा, आप देख सकते हो यहाँ का व्यू, वाओ। तो देख लो गाइस, हेलीकॉप्टर सेवा सामान्य, यहाँ पे लिखा हुआ गुप्त काशी से केदारनाथ के 1 तरफा 2 तरफा, फाटा से केदारनाथ। फाटा ये वही जगह है जहाँ पे हम रुके हुए थे, ये देख सकते हो। वहाँ से कितना पड़ेगा और दोनों तरफ का इतना पड़ेगा। ये क्या शेरसी से केदारनाथ हो, तो ये देखो आपके पास, आपके सामने ही है सारा, ठीक है। तो गाइज अभी हम हेलीपैड पे जा रहे थे क्लोज से वीडियो बनाने, फोटो वोटो खींचने, बट ऊपर पुलिस वाले ने मना कर दिया, भाई यहाँ नहीं आना, तो इसलिए वापस दोबारा नीचे उतर रहे हैं। रास्ता तो ऐसे हुआ है, वो देख लो। हम स्पेशली इसीलिए आए थे हेलीपैड के लिए, हेलीकॉप्टर के लिए, बट मना कर दिया तो हम नीचे आ गए। सो गाइज देखो आपको कुछ दिखाता हूँ, मुझे सामने पहाड़ दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पे हमारे वहाँ पे केदारनाथ, वहाँ पे हमारे भगवान शिव जी है। तो चलते आगे, आपको वहाँ दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, फिलहाल हमें रामपुर में, इससे 3 किलोमीटर आगे पड़ेगा सोनप्रयाग। तो आप देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। और ये देखो मेन जाम लगाते हैं जब बड़े बस वाले होते हैं ना, इनका निकलना मुश्किल हो जाता है, और ये छोटी छोटी गाड़ियाँ आगे अड़के हो जाती है, और टेक करने के चक्कर में निकलने के लिए आगे आ जाती है, और बड़ी बड़ी होती है जो, वो निकल नहीं पाती, इस चक्कर में वो ज़्यादा जाम लगता है। तो देख सकते हो सारी इतनी भी बसें हैं, ये निकल जाएंगी तो जाम खत्म हो जाएगा, फिर हम आगे की ओर जाएंगे। तो गाइज आप देख सकते हो फिलहाल हम सीतापुर में आ चुके हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ, वो जो आपको दिखाई दे रही है बहुत सारी जो गाड़ियाँ खड़ी है, इसको बोलते हैं सीतापुर बस स्टेशन, ठीक है। और यहाँ पर गाड़ी भी पार्किंग होती है, देख सकते हो आप, बहुत सारी गाड़ी पार्किंग हो रखी है। और ये बस स्टैंड भी है सीतापुर का, और वो देख सकते हो वहाँ भी कितना लंबा जाम लग रखा है। वो जाम है या गाड़ियाँ खड़ी है पता नहीं, ऐसा ही लग रहा है जैसे जाम है, शायद वो गाड़ियाँ खड़ी है रास्ते में। हाँ तो वैसे आप देख सकते हो ये सीतापुर का बस स्टैंड और यहीं पे पार्किंग कर सकते हो। हाँ, आप आगे यहाँ से जाके 3 किलोमीटर में पड़ेगा सोनप्रयाग, आप वहाँ भी पार्किंग कर सकते हो और आगे जा सकते हो केदारनाथ के लिए। और ये देखो साथ में ही नदी, ये कौन सी नदी है मेरे को नहीं पता। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग, ये देख सकते हैं सोनप्रयाग का बोर्ड और वो देख सकते हो सोनप्रयाग की पार्किंग, वो देखो कैसे कैसे पार्किंग हो रखी है। ये देखो हम फाइनली सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं और हम यहाँ से लाइन लगा के देखो लाइन से जा रहे हैं, लाइन से और इस साइड से गाड़ियाँ आ रही है और जा रही है। हम अपना लाइन लगा के चलते आगे गौरीकुंड की ओर चलते हैं, फिर आपको आगे का दिखाता हूँ। आप देख सकते हो गाइस पास से ये सोनप्रयाग की पार्किंग, ये देख सकते हो ये हमारे पहाड़ और उस साइड है हमारी नदी। उस साइड पर लिखा हुआ श्री केदार धाम यात्रा जिला पंचायत रुद्रप्रयाग। ये देखो सो गाइस जो हमारे पीछे सोनप्रयाग की पार्किंग है आप देख सकते हो, उसके जस्ट साइड में ही ये है वह बर्फानी हर हर महादेव सेवा दल। यहाँ पर भंडारा हो रखा है तो हमने इसके अंदर अभी भंडारा खाया अपना अच्छे से, दाल चावल रोटी सब्जी और चाय, और वहाँ से वो हुआ है वहाँ पे पानी। तो आप देख सकते हो ज़रा नौवां विशाल भंडारा श्री केदारनाथ धाम, ये आप देख सकते हो। बारिश का मौसम हो चुका है, बादल भी कड़कड़ कर रहे हैं, आपको आवाज़ आएगी होगी और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो चुकी है शुरू। मौसम हो चुका है पूरी तरह चेंज, बारिश होनी शुरू हो चुकी है, ठीक है। आप देख सकते हो बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। अब हमें वापस जाना पड़ेगा, यहाँ तो पार्किंग के लिए मतलब जगह मिली नहीं, आने नहीं दे रहे वैसे पुलिस वाले भी, तो वहाँ पीछे पार्क करके और अपना बैग वगैरह लेके सिर्फ सीधा पैदल ही निकलेंगे या टैक्सी से देखते हैं तो चलते हैं। ये देखो गाइस केदारनाथ में कितनी तेज़ बारिश हो रही है। तो आप देख सकते हो फिलहाल हम दोबारा सीतापुरी में वापस आ चुके हैं, सोनप्रयाग में तो जगह मिली नहीं, यहाँ आ चुके हैं दोबारा और बारिश देख लो बहुत तेज हो रही है। तो भाई ये देख सकते हैं हम यहाँ से केदारनाथ 23 किलोमीटर है और त्रियुगी नारायण 13 किलोमीटर, गौरीकुंड 5। इसकी भी एक स्टोरी है त्रियुगी नारायण, इसकी बाद में बताऊँगा। ये केदारनाथ है, ये गौरीकुंड, ये आप देख सकते हो ये रहा। तो गाइस आगे जाने के लिए लाइन में लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर ये लाइन ना लगाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आगे है जो गौरीकुंड तक जो गाड़ी जाती है बहुत ज़्यादा नहीं है या बहुत ज़्यादा नहीं चला सकते, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, तो हमें उन्हीं में बैठ के जाना है। तो लाइन वाइज ही जा सकते हैं, अगर एकदम से सभी जाएंगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और साइड में आप देख सकते हो जो बैरिकेड है, इस साइड पुलिस वाले खड़े हैं, ऐसे आप जा नहीं सकते। अगर आप सोचते हो हम चले जाएंगे, नहीं जा सकते। वहाँ से सिर्फ ट्रैकिंग जो कर चुके वो आ सकते हैं, या जो लोकल बंदा जिनकी दुकान है वही जा सकता है। तो गाइस लंबी लाइन के बाद अब नंबर आ चुका हमारा आगे जाने का, हमें कैब मिलेगी शेयरिंग कैब, जिसमें पर बंदे का 50 रुपये का किराया होगा। तो जैसा हो गया आगे आपको दिखाते हैं। और भाई ये देखो सो फाइनली गाइस काफ़ी देर तक लाइन में खड़े होने के बाद अब हमारा नंबर आ चुका है प्रॉपर आगे जाने का, टैक्सी पकड़ के आगे जाने का, ठीक। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो पुल है वहाँ से सभी यात्री है जो टूरिस्ट है सभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और इस पुल को क्रॉस करने के बाद हमारा पड़ेगा सामने ही आप देख सकते हो टैक्सी स्टैंड, वहीं से गाड़ियाँ मिलेंगी जो हमें गौरीकुंड तक लेके जाएंगी। तो आप देख सकते हो साइड में जो पुल है और वो हमारा टैक्सी स्टैंड है, वहीं से मिलने वाली है, और ये हमारी नदी और ये हमारा पुल। तो हम चल रहे आगे की ओर, तो चलते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं ये रास्ता है जो यहाँ पर सिर्फ ये जो टैक्सी वगैरह है जो इस यही जाती है और कोई गाड़ी नहीं जाती, और वन वे रास्ता है, ठीक है। एक लाइन रुकती है तो एक आती है, एक जाती है एक आती है, ऐसे चलता रहता है। वहाँ सामने पड़ेगा गौरीकुंड। तो गाइस आ चुके हैं हम, ये देखो केदारनाथ, यहाँ से स्टार्ट होगा पैदल मार्ग ट्रैकिंग का। तो गाइस बताते जैसे कि ऊपर पहाड़ी पर ऑक्सीजन की कमी शायद ज़्यादा होती है, जिसको ऑक्सीजन की कमी हो सांस ना ले सके तो उसके लिए यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर भी मिलते हैं, जिसको अगर ज़्यादा दिक्कत हो सांस लेने में। ऊपर वैसे पहाड़ी पर ऑक्सीजन की कमी तो है, अगर आप कर सकते हो तो बेशक जाओ, बट अगर आपको दिक्कत हो आप ऑक्सीजन सिलेंडर ले सकते हो, यहाँ पर दुकानों में मिल जाते हो आपको। तो गाइज आप देख सकते हैं जो जितने भी घोड़ा खच्चर जो भी है इन सब का अलग अलग प्राइस है, ऊपर से ऊपर ले जाने का और आने का। किसी के 3000, किसी के 5000, कोई 6000, सभी अपना अपना रेट बोल रहे हैं। आप बार्गेनिंग भी कर सकते हो अगर आप जाना चाहो तो। वैसे यार पैदल ही अच्छा, अगर जा भगवान के दर्शन करने जा रहे तो पैदल जाओ, अच्छा है। ये मेन द्वार, यहीं से केदारनाथ के लिए एंट्री होती है, आप देख सकते हो। यहाँ से तो ट्रैकिंग स्टार्ट होगी, तो आप यहाँ से खच्चर करके जा सकते हो। और जो अपने पेट पे बिठा के ले जाते हैं उसको बास्केट बोलते हैं। उसका प्राइस क्या है? उसका प्राइस है वो वजन देख के बताते हैं। अगर आपका 40 या उसके अबव है तो 5 या 6000 रुपये, अगर ज़्यादा वजन है तो उसके हिसाब से 10, 12 हज़ार, 16 हज़ार जो भी है उसका अकॉर्डिंग होता है। वैसे आगे पब्लिक खच्चरों से बहुत ज़्यादा परेशान है, ये जो खच्चर है आते जाते हैं इनसे बहुत ज़्यादा परेशान है, और इस बार बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो गाइज अब हमारी ट्रैकिंग शुरू हो चुकी है केदारनाथ के लिए। अब यहाँ से प्रॉपर जो ट्रैकिंग है पैदल वाली वो होने वाली है, तो आप देख सकते हो। जो नहीं जा सकते उनको ऐसे लेके जाते हैं। ये देखो यहाँ पर बंदे का चलना मुश्किल हो जाता है बहुत से, और ये एक बंदे को साथ में अपने पीठ पे लादे ऊपर लेके जाते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हिम्मत है इनकी, बहुत ज़्यादा मेहनत है। सो गाइस बारिश शुरू हो चुकी है तो इसलिए हमने रेनकोट डाले सस्ते वाला 100 रुपये का। अभी हम जादू बन चुके हैं सभी, देखो लगाओ ना जादू। अगर आप आओ तो रेनकोट अपना लेके आना। और अपना आगे आप देख सकते हो रास्ता कैसा है, थोड़ा सा ये खच्चर वच्चर है, पोटी वोटी कर देते हैं और पानी के कारण थोड़ा सा फिसलता है मतलब रास्ता। तो आओ तो ध्यान से आओ। भोले तेरी नगरी में आके सुकून मैं पाता हूँ, ना लगती भूख प्यास सारे दुख भूल जाता हूँ। तू ही जगदाता है, तू ही विश्व विधाता है, तू तीनों लोक का मालिक, तू ही सबसे पहले आता है। जाना उस रास्ते पे जो तेरे दर पे जाएगा। देवों के देव ओ महादेव तेरा नाम सदा लिया जाएगा। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं जो बच्चा है इसके पापा बता रहे थे, इसने घोड़े खच्चर का सहारा ना लेते हुए ऊपर गया है, ऊपर से नीचे आया है और बहुत जल्दी जल्दी सदा लिया जाएगा। तुझसे ही सब आरंभ हुआ, तुझ पे ही अंत हो जाएगा। हो जय शिव शंभू महादेव तेरा डमरू बजता जाएगा। चाहे जितनी भी परलय आ जावे बस ओमकार रह जाएगा। हो जय शिव शंभू महादेव तेरा डमरू बजता जाएगा। चाहे जितनी भी परलय आ जावे बस ओमकार रह जाएगा। देवों के देव ओ महादेव तेरा नाम सदा लिया जाएगा। तुझसे ही सब आरंभ हुआ, तुझ पे ही। तो भाई आप देख सकते हो 10 किलोमीटर के आसपास जो पड़ता केदारनाथ, तो 2 रास्ते कट जाते हैं। ये वाला रास्ता है शॉर्टकट है, ठीक है, ये वाला रास्ता शॉर्टकट है। और वो जो आप देख रहे हो ये वाला लॉन्ग है, ये आप देख सकते हो ये वाला लॉन्ग है। तो गाइस ये देख सकते हो ये, वैसे अगर बाहर लोगे वैसे नॉर्मल दिन ऐसे 20 रुपये का पड़ेगा, शायद 20 रुपये समथिंग ऐसे कुछ का पड़ेगा। बट आप यहाँ केदारनाथ से लोगे, यहाँ पर चढ़ाई पे लोगे, आपको हर थोड़ी थोड़ी दूर पर स्टॉल मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ पर आपको कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी, छोटी छोटी पानी मिल जाएगा, और मैगी वैगी चाय वाय बिस्किट सब मिल जाएंगे। बट ये है कि जैसे जैसे आप ट्रैकिंग स्टार्ट करोगे पहले तो आपको डबल प्राइस पे मिलेंगे, जो 20 की है वो 40 की मिलेगी। और मैंने अब यहाँ से लिया है ये जो 20 का है, हमें पड़ा मेरे को 50 रुपये का पड़ा, ये मेरे को 50 का पड़ा। देखो ये 25 की दिखा रखा वैसे तो प्राइस इसका, बट ये मेरे को 50 का पड़ा। पीछे मैंने देखा था वहाँ पड़ा था 40 का, ठीक है, 1-2 किलोमीटर पीछे, 1 या 1.5 किलोमीटर पीछे देखा था तो 40 का पड़ा था, यहाँ पर पड़ा 50 का। तो गाइस जो भी केदारनाथ आने वाला है तो मेरी उससे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप केदारनाथ आओ तो कृपया अपने पैरों से ही चढ़ाई करके ऊपर तक जाओ। 22 किलोमीटर की जो ट्रैकिंग है उसको एंजॉय करते हुए ऊपर जाओ और भोलेनाथ के दर्शन करो, आपको अच्छा लगेगा, भोलेनाथ भी खुश होंगे। अगर आप घोड़े खच्चर करने की सोच रहे हो तो मैं उसके लिए मना करना चाहूँगा, क्योंकि जो हर साल हमारे बहुत ज़्यादा घोड़े खच्चर मरते हैं। आपको नहीं पता, आप पता करना, आपको पता लग जाएगा, ठीक है, सर्च करना। तो बहुत ज़्यादा घोड़े खच्चर मरते हैं यार। किसी बेजुबान जानवर को मार कर उसकी हत्या करके ऊपर तक जाना, दर्शन करना अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। अगर आप आओ तो अपने बलबूते पे आओ। अगर कोई इमरजेंसी आपको कोई दिक्कत है तो आप हेलीकॉप्टर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और नॉर्मल सी बात, आप आओ तो पिट्ठू का भी यूज़ कर सकते हो, जो एक बंदा अपने ऊपर बिठा कर ऊपर तक लेके जाता है। वैसे सबसे ज़्यादा मेहनत तो उसी बंदे की है जो खुद भी जाता है और आपको बिठा कर ऊपर तक लेके जाता है। वैसे एक सल्यूट तो बनता है इनको। तो चलते आपको आगे जो भी होगा आपको आगे दिखाता हूँ, चलो। सो गाइज आप देख सकते हो कितना ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं। वैसे तो 8 किलोमीटर रह चुका है। जो सामने दिखाई दे रहा है वही केदारनाथ है, हमें वहीं पर जाना। अब कितना टाइम हो गया, वैसे कितना टाइम हो गया? 7:17। चलो अभी टाइम हो चुका 7:17 के आसपास। अभी देखते हैं वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। एटलीस्ट 10 बजे तक पहुँच जाएंगे ना, 10 साढ़े 10। तो देखते हैं, बच जाएंगे। ओह कोई नहीं, चलो ट्राई करते हैं, जितनी जल्दी उसके जल्दी पहुँचते हैं। फिर जाके हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गाइस ये नॉर्मल रास्ता और ये सामने जो दिखाई दे रखा है इसे बोलते हैं शॉर्टकट। देख लो कच्चा रास्ता है पत्थरों वाला, यहाँ से भी आप जा सकते हैं बट ये थोड़ा खतरनाक है। यहाँ पे जाना रिस्क है, अपने रिस्क पे जाना अगर जाओ तो। वैसे नॉर्मल रास्ता है, ये देखो ये वाला शॉर्टकट है। अब अगर यहाँ से जाओ तो अपने रिस्क पे जाना और ध्यान से जाना। तो गाइज आप देख सकते हो अंधेरा हो चुका है बट ये जो दिख रहा है ये बर्फ़ पड़ी हुई है, ग्लेशियर बोलते हैं उसको। ध्यान से देखो आप, ये देखो, ये देखो आप ध्यान से देखो, ये बर्फ़ है, बर्फ़ या दीदा दीदा या लास्ट। ये देखो ये बर्फ है, ये ग्लेशियर। तो आप देख सकते हो अंधेरा है, दिखाई नहीं देगा इतना बट ये जो दिख रहा है वाइट वाइट दिख रहा है ये हमारा ग्लेशियर है, मतलब बर्फ़ पड़ी है पहाड़ों के ऊपर। और ये भी, और यहाँ से हमारा झरना बह रहा है। ये देखो आपको अंधेरे में दिखाई दे रहा है थोड़ा बहुत, बाकी और आवाज़ तो आई रही होगी। तो बाकी अब थोड़ा सा और रह गया, 5-6 किलोमीटर के समथिंग हो रहा है हमारा केदारनाथ का। और टाइम हो चुका है 8 बजे के आसपास का टाइम हो चुका है। और हम निकले थे 3 बजे के समथिंग निकले थे। आप देख सकते हो 8:30 हो गए, 8:30 हो गए या। देख सकते हो आप ये रहा 8:32 हो गया, 8:30 का टाइम हो गया। हम 3 बजे के समथिंग निकले थे। देखते हैं कितनी देर में पहुँचेंगे, शायद 10 बजे के आसपास पहुँच जाएंगे, 10 साढ़े 10। आप देख सकते हो ग्लेशियर, ये देखो जो दूर से पहाड़ दिखा रहा था ना वो यही है, मेरे हिसाब से शायद यही है। आप देख सकते हो कैसे बर्फ़ पड़ी हुई है। और आपको आगे दिखाता हूँ, वो दिखाई दे रही है वो। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो।